ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कबीरा कर ले आप समान। सबसे पहले आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बंदी छोड़ का इसी प्रकार आप सब पर प्रेम का, ज्ञान का, सत्संग का रंग बरसता रहे, चढ़ता रहे। आप भक्ति के रंग में हमेशा भीगते रहें, क्योंकि गुरुदेव महाराज के सानिध्य में बैठकर सत्संग श्रवण करने से हमारे जीवन में आनंद और सुख के साम्राज्य की वर्षा होती है। और भक्ति करने से हमारे जीवन में प्रतिकूलताओं का, विपरीतताओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। प्यारी आत्माओं, पाव घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी में 24 मिनट, पाव में 6 चौके 24। 6 मिनट भी बैठकर इन अपने नेत्रों से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से, प्रेम से भरे नेत्रों से सदगुरु को निहारते हुए, श्रवण इंद्रिय को पवित्र करते हुए आप सत्संग श्रवण करते हैं, हृदय में स्थित परम पिता परमात्मा वो आह्लादित होने लग जाता है। कोई जीव अपने गुरु की छत्र छाया में बैठकर मेरी कथा श्रवण करना कर रहा है, आप उसके तुरंत कृपा पात्र बन जाते हैं। इसलिए गरीब दास महाराज फरमाते हैं, गरीब है आध घड़ी की याद, घड़ी याद की घड़ी की याद, संतों से ती गोष्ठी जो की जे सो लाभ। कहते हैं कति पाव घड़ी, 6 मिनट भी बैठकर आपने गुरु से भगवान की गोष्ठी कर ली, चर्चा कर ली, उसका लाभ ही लाभ है। और कलयुग का समय चल रहा है, श्रेष्ठ आत्माएं, भजनानंदी आत्माएं इसी जीवन में साधना करके सतलोकवासी हो जाएंगी और इंतजार करेंगी, धरती पर नहीं आएंगी जब तक सतयुग नहीं आएगा। क्यों आएंगी? ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। फिर सतयुग में ऐसा समय आएगा जब सारी तपस्वी, सिद्ध, अवतार, ऋषि, मुनि, अवधूत, योगी, परम संत उतर कर धरती पर आएंगे। फिर से सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपको पता है मेरे गुरुदेव जी महाराज एक भजनानंदी ऐसी साक्षात मूर्ति हैं कि मैंने परमात्मा के धाम में जाना, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। हो सकता है प्यारी आत्माओं कलयुग में अंतिम जन्म हो गुरुदेव जी का, और ये सतलोक में जाएंगे। जो अवसर अब मिला हुआ इनके पास बैठने का, सुनने का, आनंद की अनुभूति करने का, इसका आनंद लो, फिर पछतावा ना रह जाए। क्योंकि संत चरण चिन्ह छोड़ जाते हैं, फिर हम हाथ मसलते रह जाते हैं, भूल जाओ कि काम धंधा है और मैं उस चीज़ में उलझा हुआ था, मैं उस चीज़ में उलझा हुआ था, मैं नहीं बैठ पाया, वो संत धरती पर आए थे, फिर मलाल रह जाए। संसार के काम पहले निपटा लो, बाद में निपटा लेना, लेकिन जब ऐसी घड़ियां आती हैं तो तुरंत समय निकाल कर चरणों में बैठो। महात्मा बुद्ध जब संसार से जाने लगे, एक व्यक्ति भाग्य आया अंतिम समय, जब बुद्ध की आँख अंतिम समय के लिए अपने शिष्यों को निहार कर बंद करने वाले थे, रो रहे थे, आनंद भी, तिस्से भी, समंजनी भी, मुग्धल्य भी, और वो भाग आया दुकान बंद करके, अब मुझे उपदेश दो। बुद्ध ने कहा, इतना लेट हो गया, मैं कितनी बार इस नगर से गुजरा तो फिर भी दुकान पर बच्चों में सब में उलझा रहा। और वो व्यक्ति पछताता रहा कि कितनी हंस आत्माएं बुद्ध के चरणों में बैठकर बुद्धत्व को प्राप्त हो गई, संसार से निरस होकर परमात्मा के लोक में उस रंग में आनंद मगन हो गई। वो रोता रहा और बुद्ध ने आंखें बंद कर ली।
हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जब ये घड़ियां गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम परमात्मा के गीत गाते हैं, उनका आनंद लेते हैं। इसलिए संगत जीवन में जरूरी है, क्योंकि स्वयं का परिमार्जन करने का सत्संग अवसर देता है। हम कितने कुत्सित विचारों से, विकारों से, पापों से भरे हुए होते हैं, लेकिन खूब अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर में हिम्मत और बल भी देते हैं। इसलिए अपना परिमार्जन किया करो। और सत्संग का ऐसा प्रभाव है, कैसे कुल से एक आत्मा जन्म लेने वाली थी, लेकिन संतों का संग मिला तो सारे संस्कार ही बदल के कैसी उच्च आत्मा परमात्मा के 12 पार्षदों में मुख्य बन गई। एक असुर कुल का, सुर कुल के आचार्य संत बने तो बात जस्ती भी है, लेकिन असुर कुल का 12 आचार्यों में स्थान प्राप्त कर गया। कौन थे? प्रहलाद भगत है। गरीब ऐसी संगत जो मिले भक्ति कर प्रहलाद, नारद से सतगुरु मिले तो सूझे अगम अगाध। अब संस्कार कहाँ से शुरू हुए? गर्भ से ही। आपको पता है हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते। अब आप में से कोई बताएगा, सारे हिंदू हैं, सनातनी हैं, 16 संस्कार कौन से होते? एकाध को छोड़कर किसी को भी याद नहीं होंगे, क्योंकि भूल गए ना अपने संस्कारों को, इसलिए तो ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं। 16 संस्कारों में प्रथम सब संस्कारों की नीम गर्भाधान संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार, सिमंतो उन्नयन, जातकरण, निष्क्रमण, मुंडन संस्कार और अनप्राशन, कितने संस्कार होते हैं, लेकिन भूल गए, एक भी संस्कार नहीं होता। माँ कयादु निकल कर उस असुर कुल से और नारद मुनि के साथ ऋषियों की कुटिया में चलेगी। मेद मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ होते हैं, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, और वहाँ बैठकर संतों की सेवा करती, सत्संग सुनती, गर्भ से ही पलट दिया। इसलिए संतान पैदा करनी है तो गृहस्थियों को विचार करना होगा, मासिक कर्म अनुसार कौन सी तिथि का चयन करे जिसमें उत्तम संतान पैदा हो, जिसमें प्रतिपदा ना हो, अमावस्या ना हो, एकादशी ना हो, पूर्णिमा ना हो, और 6 तिथि ना हो, रिक्ता तिथि ना हो, प्रदोष काल ना हो। ये तिथियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो विकारी संतान पैदा होंगी। तिथि का विचार करके किस काल में, इस नक्षत्र में गर्भ धारण हो और उस समय आपकी कैसी मनोस्थिति हो। अब देखो, हिरण्यकश्यप था तो राक्षस और सब भक्तों का, ऋषियों का बैरी, लेकिन 10 मिनट ही सही माँ कयादु ने नारायण नारायण जपवा दिया तो जो बीज पड़ा उसमें नारायण की भक्ति के संस्कार पड़ गए। तो गर्भ से ही शुरू कर दो अपना गर्भवती स्त्री का आचार, विचार, निहार, संस्कार और व्यवहार, ये शुद्ध होना चाहिए तो शुद्ध संतानें पैदा होंगे। और फिर जब पैदा हुआ तो हर किसी ने न किसी के हाथ से भी अन्न मुंह में ग्रहण करवा दिया, घुट्टी पिला दी, ऋषियों के हाथों से, अवतारों के हाथों से मुंह में घुट्टी गई, अन्नप्राशन हुआ, तो वो शुद्ध आत्मा हो गई प्रहलाद की। और उसको बाल दीक्षा कर दी, भगवान का सुमरण करने लगा, कीर्तन करने लगा, और फिर नारद मुनि उसको दृढ़ करके और फिर उनके पिता के पास लाए, भक्ति से परिपूर्ण कर दिया। क्योंकि भक्ति जो हो वो हमारा एक कवच बन जाती है, फिर कैसी परिस्थितियां आ जाएं वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद पर कैसी कैसी परिस्थितियां आई, संकट आए, लेकिन दृढ़ रहा। उनके गुरुदेव ने उनको मंत्र दे दिया था, गरीब प्रहलाद भगत परिचय भया हिरण्यकश्यप के पास, अमर कछ जुग जुग भया सोहम दृढ़ विश्वास। उस समय संत आत्माएं कीर्तन करने का मंत्र देती थी, बाल दीक्षा, और फिर उनको, क्योंकि योगी आत्माएं होती थी सारे बच्चे, और सोहम यानी श्वास में मंत्र, सोहम दृढ़ विश्वास, और बिठा कर सामने प्रहलाद को, छोटे से बच्चे को, नारद मुनि ने कहा, बेटा श्वास को देखो, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। हाँ गुरुदेव, अंदर जाते श्वास में ये जपना है, बाहर जाते श्वास में ये जपना। गुरुदेव कब तक? जब तक श्वास चले, जब तक जीवन रहे। 5 साल के बच्चे की ये दीक्षा कर दी, और फिर 24 घंटे प्रहलाद के नाम की धुन चढ़ गई। जो प्रहलाद के आसपास बच्चे आते थे असुरों के, वो भी नाम जपने लग गए, और उसके पिता ने सोचा मेरे बैरी का नाम जप रहा है तो इसलिए उसको जहर दे दिया तो नहीं मरे, सांपों से डसवा दिया तो नहीं मेरे, पहाड़ों से गिरा दिया तो नहीं मरे,
प्रहलाद भगत को दही कसोटी 84 बरताया, नरसिंह रूप धरे नारायण खंभ पाड़ कर आया। और वहां से उस बैरी ने, उसके पिता ने इतने कष्ट देने शुरू कर दिए, घबराया नहीं कि मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूं, और भी रीज रीज का भगवान की भक्ति करने लग गया। इसलिए प्यारी आत्माओं, किसी परिस्थिति आ जाए, सर्प संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन अपने सामने आंखों के आंख बंद करो, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करो, उनका नाम जपो, इन जैसी ओट नहीं हो सकती। सच्ची मानना इस बात को, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, ये ऐसी शक्ति है। तो ऐसी ऐसी सिद्ध बच्चे पैदा होते थे, उनको पाठशाला में भेज दिया। गरीब संडा मर्क जो साल में पढ़ाए प्रहलाद, विद्या बाणी छाड़ कर चिन्हे राम अगाध। एक एक जो महापुरुषों के चरित्र हैं वो हमें जीवन प्रेरणा ही तो देते हैं, हमें भक्ति कैसे करनी है, हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। संडा और अमर्क वो पढ़ाने लगे, कूटनीति, राजनीति, असुर नीति वो छोड़ के फिर भगवान का नाम जपते जपते बच्चों की टोली लेकर बैठ जाते। वो पादा पंडित भी हार गए। आप भी अपने बच्चों को, पहले गुरुकुल होते थे और ऐसी विद्या पढ़ाई जाती थी, उनको वेद शास्त्र सब याद हो जाता था, जीवन की विद्या भी और जीविका की विद्या भी। एक एक आचार्य जब गुरुकुल से निकलता था, हजारों हजारों को काम देता था। बताओ अर्जुन के अंदर कौन सी कमी थी सारी विद्याओं का। अरे उडारी मार के जब स्वर्ग लोक में जाकर भी ब्रह्मस्त्र ले आए, उनसे बड़ा ज्ञानी तपस्वी और काम देने वाला और कौन होगा। ऐसे ऐसे योगी निकलते थे। आज जीविका की विद्या तो है, कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा तो है, डिग्रियां तो हैं, पर बच्चे डिग्रियां लेकर रोडों पर घूम रहे, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। देखो कितने बच्चे डबल एम ए पीएचडी किए हुए यहाँ थे, नौकरी नहीं है। क्यों? आपने जीविका की विद्या तो दिला दी, लेकिन जीवन की विद्या जो उंगली पकड़कर किसी आचार्य, किसी गुरु के पास लेकर आए बच्चे को कि आत्म विद्या सिखानी है, जीवन में शांति भी हो और एक अच्छी प्रेरणा मिले, हमारा जीवन विकारों से मुक्त हो, वो बच्चा अपने आप जीवन में सफल होता चला जाएगा। अरे बिना बाप के बच्चे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, छोटे भाई सोपान और एक देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मुक्ताबाई, माँ बाप ने जल में समाधि ले ली और छोटे छोटे बच्चे भिक्षा करने के लिए गए, सबने दूधकार दिया, दरवाजे बंद कर लिए थे और किसी ने इतना सा आटा डाला। वो लेकर जब आए घर में, मुक्ता ने छोटे छोटे नन्हे हाथों से वो आटा गूंदा और वो मंत्र पाठ करने लगे, तीनों भाई तुम शुद्ध ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारा यज्ञोपत्य नहीं हुआ है, तुम्हारे पिता सन्यासी होकर, ब्राह्मण होकर सन्यास ले लिया था, विवाह कर लिया, तुम अशुद्ध संतान हो, ऐसा समय था। लेकिन बच्चे बड़े होनहार थे, शुद्ध थे, मंत्र पाठ करने लगे। निवृत्तिनाथ के सामने तो गोरखनाथ प्रगट होके और मंत्र दीक्षा कर गए, सब देखते रह गए। और फिर मुक्त निवृत्तिनाथ ने आकर ज्ञानेश्वर की दीक्षा कर दी, ज्ञानेश्वर ने अपने छोटे बहन भाइयों की दीक्षा कर दी और अपनी उस झोपड़ी में घर में बैठ के और पाठ करते, पूजा करते, सुमरण करते, मुक्ता नन्हे नन्हे हाथों से आटा गूंद रही है। फिर देखा घर में चूल्हा पड़ा है मिट्टी का, लेकिन लकड़ी नहीं है, आग भी नहीं है और जिस दरवाजे पर जाती है देते भी नहीं है। फिर उसने देखा तवे पर रोटी से कुछ तवा भी टूटा हुआ था। कुम्हार के घर पे गई, वहीं पहले पहुंच गए लोग हैं कि इनको अशुद्ध संताने हैं, घर भी अछूत हो जाएगा, भगा दिया वहां से, मिट्टी का तवा तक नहीं दिया। फिर बैठकर मुक्ता रोती है, भैया वो आटा तो गूंदिया, लोई भी रखी है, रोटी कैसे सेकूं। ध्यान में बैठे हैं संत ज्ञानेश्वर, कह लेंगे मुक्ता मेरी पीठ पर रोटी सेक ले, अपने योग बल से जैसा तवा गर्म होता है इतनी पीठ गर्म कर ली और मुक्ता ने रोटियां बेल ली, पीठ पर सेक दी, सारी पूरी रोटियां पीठ पर सेक दी। और निवृत्तिनाथ आकर कहते हैं, ज्ञानेश्वर क्या कर रहे हो, इतने छोटे काम के लिए इस ब्रह्म विद्या का, योग विद्या का उपयोग करते हो, ये नहीं करनी है। ऐसी ऐसी संतान इस धरती पर थी, तो इसलिए प्रहलाद भगत जीवन की भी और जीविका की सबकी ऐसा ज्ञान इस धरती पर हमारे महापुरुषों ने दिया। तो अपने बच्चों में संस्कार डालो शुरू से ही। आप कहेंगे अब तक पैदा ही हो गए, 20-20-30-30 साल के हो गए, प्रार्थना करो भगवान से, ये लगे परमात्मा की तरफ, सारा कुल खानदान बदल जाए और अच्छे संस्कार हो, मुक्ति हो, या 84 में पड़े हैं, नाम जप लो, भक्ति करने का अवसर है, संतों की संगत करो, इनकी सेवा करो। और सेवा और नाम दोनों ऐसी चीज है जो भीतर का ब्रह्म रुद्र का द्वार खोल देंगे।
सदगुरु गरीबदास महाराज के पास कितनी बड़ी संतों की जमात हो गई। बंदी छोड़ जी सबको लेकर मथुरा गए थे एक बार वृंदावन, यही होली का समय था और सारे संत, तो उन्होंने कहा सदगुरु देखो कितना सुंदर अवसर है, भगवान कृष्ण भी यहाँ होली खेलते थे, हम भी आपके साथ होली खेलना चाहते हैं, हमें भी अपने उस रंग में रगो, और कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। बंदी छोड़ने कहा भी ठीक है, भगवान कृष्ण तो चले गए, अब वही आनंद आपको देते हैं। बंदी छोड़ने बैठे बैठे भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण कर लिया और सारी मथुरा वृंदावन हैरान होगी भी, द्वापर का समय, ये तो कृष्ण भगवान आगे प्रणाम कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। तब उन्होंने बताया सदगुरु के शिष्यों ने, ये हमारे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज हैं जिनके सामने मोहम्मद सारंगीला भी जाकर झुके और झज्जर नवाब के गोबर का भी घी बना दिया, ऐसे जो पंचायत भरतपुर की पंचायत का जो मुकदमा वो सुलझाया जब राजा सूरजमल की हत्या कर दी गई मुगलों के द्वारा, हमारे वो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज हैं, इन्होंने शिव का भी रूप धारण किया, पूरी अयोध्या काशी मथुरा के अंदर और बरसाने के अंदर हल्ला फिर गया कि द्वापर के कृष्ण प्रकट हो गए हैं। और गरीबदास महाराज ने कहा ये होली तो भाई प्रहलाद भगत के समय की है, और मैं तुम्हें ध्यान बताता हूँ, नाम सुमरण करो और सचखंड में चलो, बंदी छोड़ कबीर साहब संत शिरोमणि मुकुट पहने बैठे हैं, सारी हंस आत्माएं उनके साथ रंग में रंगी हुई सतरंगी रंग में। और गरीबदास महाराज ने वाणी बोलनी शुरू कर दी, ध्रुव प्रहलाद जा खेल ही रंग हो रही हो, नारद का उपदेश राम रंग हो रही हो, गाइए ना होरी राग होरी, हथ पिचकारी प्रेम की रंग हो रही हो, खेलत रहे हमेश राम रंग हो रही हो, सब संतन सिर ताज है रंग हो रही हो, मांझी मुकुट कबीर राम रंग हो रही हो, आत्म और परमात्मा रंग हो रही हो, एक देह में दोए राम रंग हो रही हो। वो आत्माएं संत आत्माएं भक्ति करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होगी और सचखंड में सतलोक में परमात्मा के साथ होली खेल रही हैं, प्रेम की पिचकारी है। बंदी छोड़ने वहाँ बैठे बैठे जो अधिकारी आत्माएं थी और उन भीतर ले गए और सतलोक का नक्शा दिखा दिया, जो जिनको साक्षात्कार था उन्होंने आंख बंद करी, देखा गरीबदास महाराज सतलोक में बंदी छोड़ के साथ होली खेल रहे और वहाँ रंग छड़ के रैदास राम रंग हो रही हो, रैदास जी के हाथ में रंग हर वो रंग छिड़ कर रहे हैं, वहाँ मीरा भी खड़ताल दे लेके नाच रही है, कर्मा फुल्ला भी नाच रही है, ये छोटी घटना नहीं है धरती की। और फिर सदगुरु ने फिर लीला रची, वो स्वरूप अंतर ध्यान कर लिया, फिर सदगुरु गरीबदास के स्वरूप में बैठ गए तो सबने प्रणाम किया भी, कोई इस समय इस कलयुग में कोई ऊंची शक्ति उतर कर इस धरती पर आई हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी संत आत्माएं जिसके चरणों में बैठे हो ना, ये बार बार नहीं उतरती हैं, ये कुछ समय के लिए आती हैं, जगाती हैं, रंग चढ़ाती हैं, फिर सतलोक में चली जाती है। आनंद लीजिए सत्संग का, अपनी मैं को विकारों को सब छोट परिमार्जन कर, एक नम्रता से दशा भाव से सेवा करे, रीझ रीझ के अपने गुरु से भीतर का तार जोड़कर प्रेम करे, ईमानदार रहे, वफादार रहे, नम्रता से रहे, अपने आप कृपा होती है सदगुरु की। तो इसलिए हमारी तो एक ही प्रार्थना है, तुम अपने रंग में रंग लो गुरुदेव, तो होली है। देखी हमने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर जिन्नी है, तन के तार छुए इस जगत में बहुतों ने, पर मन का तार न भीगा, तुमने अपने रंग में रंग लिया तो मेरा जीवन ही भीग गया। इसलिए सदगुरु रंगने आते हैं, बंदी छोड़ की सब पर कृपा रहे। और ऐसे भगत प्रहलाद जी, सदगुरु जी कहते हैं जो ऐसी संत आत्माओं को भक्तों को जो कोई कष्ट देता है तो समझ लो मेरे को कष्ट देता है, क्योंकि मेरा भगत मेरा ही शरीर है। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, राम कहे मेरे साध को दुख न दीजे कोई, साध दुखावे मैं दुखी मेरा आपा भी दुख होए। कहते हैं राम कहे मेरे साधु को, भगवान कहते हैं मेरे साधु को मेरे संत को प्यारे को दुख मत देना, अगर साध दुखावे मैं दुखी, संत दुखी हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरा
आपा भी दुख होए। भगवान कहते मेरा कति आपा दुख हो जाता, मैंने कुछ भी कह लो माफ कर दूंगा, लेकिन भगत का कुछ कष्ट होगा ना मैं माफ नहीं करूंगा। कैसे? हिरना कुछ के उधर विदारा मैं ही मारा कंस, जो मेरे साध को आन दुखावे ताका खो वंश। हिरणाकश ने प्रहलाद को कष्ट दिया, पेट पार दिया का, और हाथ काट के गले में पहन ली, कहते वंश खो दिया उनका। फिर कहते हैं सदगुरु पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के हेत, 33 कोटि की बंद छुड़ाई रावण मारा खेत। तुम सोचते हो हम भगवान का नाम जप रहे, आए नहीं भगवान, आए नहीं। किसी किसी और का भी आश्रय पकड़े हुए हो, वो छुड़ा देगा, वो सहायता करेगा। कच्ची कच्ची भक्ति है, पक्की पक्की करनी पड़ेगी। कहते पहुंचूंगा छिन एक में, देर नहीं लाऊ। भोजन करने लग रहे थे द्वारका में, और उधर द्रौपदी ने टेर दिया और साड़ी खींच रहा था दुशासन, वार नहीं लाई, नगन नहीं होने दी, चीरों में प्रवेश कर दिया परमात्मा ने। सारी दुनिया देखती रह गई, 5 गज की साड़ी 5000 गज की बन गिर, थक गया दुशासन, छिन में पहुंच गए। पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के हेत, अपने भगत के लिए, और 33 कोटि की बंद छुड़ाई रावण मारा खेत। हिंदुस्तान से बॉर्डर पार कर कर लंका में चले गए परमात्मा। सीता ने कलंक भी लगवाना पड़ा कि रावण की गोद चढ़ के चली गई। कलंक कोई बात नहीं, अपनी संत आत्माओं के लिए मैं अपना कलंक भी लगवा लूंगी, माता सीता ने लगवाया। और फिर वहां जाकर विभीषण की रक्षा की, माता सीता को लेकर आए, रावण की लंका ने ढाके आए, रावण को मार के आए। फिर सदगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं कला बढ़ाऊं संत की प्रगट कर है मोए, गरीबदास जुला करे मेरा साधन दयो कोई। कला बढ़ाऊं संत की इस धरती पर, मैं संतों की कला बढ़ाने के लिए आता हूं, प्रगट कर है मोए। अच्छा इस धरती पर भगवान को कौन प्रगट करता बताओ? संत होर भगत ही, और उनकी कला बढ़ाते हैं। प्रहलाद ने प्रगट किया, धरु ने प्रगट किया, मीरा ने किया, कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने किया, कितने संत हुए, बामन भगवान को प्रगट किया, नरसिंह को किया, बरा को किया, ये किनों ने किए? संतों ने। अगर संत नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे ना, तो भगवान भी प्रगट नहीं होगा। इसलिए तो गुरु हैं बड़ गोविंद से मन में देख विचार, कहते हैं इस धरती के इस ब्रह्मांड के देवता सबसे बड़े गुरु। क्यों? गुरु हैं बड़ गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे तो बार है पर गुरु सुमरे तो पार। कहते भगवान ने सुमरोगे तो वारे रह जाओगे, और गुरु ने सुमरोगे, क्योंकि गुरु ही तो भेद बताता। कबीर साहब कहते पार हो जाओगे। तो इसलिए भाई प्रथम पूजनीय और देवता इस ब्रह्मांड के अपने गुरु हैं, और जब तक ये आनंद है, ये मौसम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा संगत करो, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो, ज्ञान लो, दर्शन करो, और ना एक कुछ आंदा ना चुपचाप बैठ जाओ तो भी अमृत बरसता रहेगा। ऐसी ओरा होती है संतों की। तो अब समय काफी हो गया है, मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस होली के पावन अवसर पर आप सारी रंगीली आत्माएं होगी, कुछ समय के लिए इनके दीदार में और प्रेम रस में आप भूल जाते हैं ना। अब थोड़ी देर पहले किसी को नहीं पता कहाँ खड़े हो, बस खोए हुए थे सदगुरु की दुनिया में। यही तो रंग है आपको खोने के लिए। क्यों? परमात्मा का स्मरण कठिन नहीं, अपनी सत्ता का विस्मरण कठिन है। जिस दिन अपने को भूल जाओगे उस दिन वही प्रकट हो जाएगा। तो अपने को भूलने के लिए खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी जिन्होंने हमारी सबकी जिंदगी में रंग भर दिया, प्रेम की ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं सदगुरु। इसी प्रकार हमें अपनी छत्र छाया में रखना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की। मेरा मन हो परदेसी यार गुरु संग होली खेल ले, मेरा मन हो परदेसी यार गुरु संग होली खेल ले, गुरु संग होली खेल ले, गुरु संग होली खेल ले, मेरा मन हो परदेसिया गुरु संग होली खेल ले, साहब संग होली खेल ले, साहब संग होली खेल ले, मेरा मन हो परदेसिया गुरु संग होली खेल ले। भागण मा
सतगुरुदेव भगवान होली के रसिया की जय। सत्संग।